साला हंसता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा मिक्स, तो अब इसको हम डालेंगे हल्की आंच में पकाएंगे इसको भी। ये हमने ग्रेवी में डाला, ये देखिए तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने गांव में, ये देखिए, और यहाँ के नज़ारे मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से, जो बादल देख सकते हैं एकदम ऐसा लग रहा है कि जस्ट हमारे ऊपर एकदम बादल ही होंगे। तो गांव में जो हमारा पुराना मकान है वो ये रहा, ये यहाँ पे अब ताई लोगों ने गाय बांध रखी है, और यहाँ पे मेरी चाची लोगों का मकान। ये देखो एकदम, मतलब अभी भी पत्थरों लगा रहा है इधर, मतलब बहुत सारे लोगों का अभी पत्थरों लगा रहा है। वो जो उधर पे दिखाई दे रहा है पिंक कलर का और ग्रीन कलर का, पिंक वाला कलर का मेरे ताई लोगों का मकान है, और हरी वाली मेरी मौसी भी लगती हैं और चाची हैं वो मेरी। तो मेरी चाची नहीं, मैं मौसी बोलता हूँ उनको। और वो ऊपर जो आप देख सकते हैं वो मेरा है, मेरा प्राइमरी स्कूल। तो मेरा गाँव बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और ये हमारे गांव का मंदिर, और ये पेड़ लगभग बहुत साल पुराना है, मैं जानता हूँ मैंने कितना साल पुराना है। और ये है, इसका नाम है ये ना क्या घर बन रहे ना तेना सौदा नंबर मैन तब इसु। ये है इसु, ये है साकी, और ये देखिए आजकल यहाँ लगे हुए हैं, मतलब संतरे लगे हुए, मतलब अब इन पे संतरे लगने वाले हैं। ये देखिए अभी अभी सफ़ेद फूल होते हैं आर के इन पर। देखो मधुमक्खी मतलब वो करता है, मतलब एक इनका पराग चूस के मतलब दूसरे फूल में डालता है, तभी इनसे फल निकलते हैं। और ये देखिए गाय भैंसे आराम से बैठ रखी हैं, और कुछ व्यू देख सकते हैं आप इधर का, काफ़ी अच्छा व्यू है। आज यहाँ थोड़ा पूजा है, मैं पूजा में आ रखा हूँ, बकरी मरेगी शायद इधर आज। तो जो आपको वो सामने पर जो गाँव दिखाई दे रहा है, जो सामने पर जो रेड रेड टी शर्ट का दिखाई दे रहा है वो है भिकोना। और जो ये जो पीछे है हल्के हल्के छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, ये है बंगतल। और यहाँ आजकल बहुत हरियाली भी है, और जो ये उधर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये है पलीछला, और वो जो ऊपर जहाँ बर्फ़ दिखाई दे रही है वो है तुंगनाथ। यहाँ से मतलब सब जगह दिखाई देता है दोस्तों। तो गाइज कालू आया है मम्मी के साथ, और ये बहुत थक चुका है, ये देखो ये कैसा है कर रहा है, ये देखो। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप। और यहाँ पे ये प्रियांशु आग जला रहा है, क्योंकि इसमें हम पकाएंगे बकरी को, उसके बाल सारे जल जाएंगे तभी वो कटता है। हमने इसको पकाने के लिए रख दिया है, उसके खाली बाल बाल जलाएंगे हम, मतलब बाल बाल एकदम पक जाए तो बहुत मस्त होता है। तो ये पकने में काफी टाइम लगा रहा, तो इसलिए हमने नीचे से आग बढ़ा दी है कि इसकी मुंडी उधर से रख दी है। साला हंसता है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक गया है, और ये मांस देख सकते हैं, मतलब एकदम से सफ़ेद सफ़ेद बाल आने लग गया, यानी कि ये पक गया है मांस इसका, मतलब इसमें एक भी बाल नहीं बचे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये काफ़ी गर्म है, और यहाँ से काफ़ी हीट आ रही है, मेरे को काफ़ी पसीना भी आ रही है। तो यहाँ पे मेरी कुकिंग हो रही है, ये देखिए। तो ये रहा चिकन, ये रहा पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और ये रहा लीवर वगैरह जिसको अंगड़े बोलते हैं। और ये हमने पते इस पतेली में बना रहे हैं इसको, ये देखिए आग लगाइए, हल्की हल्की आग जलाइए, इसी में बनाएंगे दोस्तों। तो इसमें मैंने हल्की आंच पे, ये हल्की आंच भी है, और हल्की आंच में यहाँ पे प्याज को डाला है रिफाइंड के तेल में, अभी ये पक रहा है। हल्की आंच में हमेशा चिकन को पकाने पर काफ़ी अच्छा बनता है, तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा ये पक रहा है। और ये मैंने बकरी के वो जो लीवर पार्ट्स होते हैं वो और चिकन को मिक्स कर दिया इसमें, देखते हैं आज ये कैसा बनता है, मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ इसको। अभी पक गए हैं, तो इसके साथ मैं डालूंगा लहसुन, क्योंकि लहसुन इसके साथ, अब ये प्याज मतलब थोड़ा बहुत पक चुका है तो लहसुन के साथ पूरा पक जाएगा, और लहसुन भी पूरा पक जाएगा। मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि लहसुन तब तक जल जाएगा। दोस्तों मैंने इसमें अब लहसुन भी डाल दिया है, लहसुन भी पकेगा,
थोड़ी देर बाद मैं डालूंगा इसमें, मैं कुमन निकाल इसको निकाल बाहर। तो मैंने अब इसमें डालूंगा इसमें टमाटर। अब दोस्तों मैं इसके साथ साथ ये देखिए टमाटर भी डाल देता हूँ। टमाटर के काफ़ी बड़े पीस होने की वजह से ये गल मतलब गल नहीं रहा है जल्दी जल्दी, तो मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगा ताकि ये गल जाए। तो इतना नमक इसके लिए काफ़ी होगा है ना। तो मैंने इसमें डाल दिया है कम से कम एक हाफ नमक। और अब ये हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे जिससे थोड़ा गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो इसमें टमाटर काफ़ी हद तक पक चुके हैं, तो मैं अब इसमें डालूंगा मसाले ताकि मसाले भी टमाटर के साथ पूरी तरह से पक जाएं। और तो मैं मसाला लेता हूं, तो ये तो मैंने ले लिया है 2 स्पून बड़े चम्मच, तो मैं 3 स्पून लूँगा। देख सकते हैं मसाला मैंने डाल चुका है, डाल लिया इसमें। तो नमक थोड़ा कम हो रहा है, मतलब इसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें चिकन वगैरह पड़ेगा तो नमक की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा मिक्स, तो अब इसको हम डालेंगे हल्की आंच में पकाएंगे इसको भी। ये हमने ग्रेवी में डाला, ये देखिए अच्छे से दिखा। तो ये देखिए हम ग्रेवी में डालेंगे इसको बहुत अच्छे से, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। एकदम ज़्यादा आँच में पकाएंगे तो बेकार हो जाएगा, पकाएंगे तो इसको हम हल्की आँच में पकाएंगे, एकदम थोड़ा घुमाएंगे इसको। मैं पूरा पानी डाल देता हूँ कि इसमें पानी नहीं थर जाता है। ये हमारे घर में मतलब पुराने ज़माने में छानी का काम ये करता था, आज तो परात होते जिन पे छेद वगैरह आते हैं, हमारे टाइम पे पुराने ज़माने में यही होता था। पुराने ज़माने में साधन नहीं होता था इसीलिए इस पे छटनी होती थी पानी की। ये देखिए इससे ये रिंगाल की है, एक लंबी तने की, लंबी तने का होता है वो। तो मैं इसको थोड़ा मतलब घुमाता हूँ, खरवाता हूँ। ये देखिए देखिए इसमें चिकन लीवर, जो बकरे का लीवर वगैरह होता है इनर पार्ट, वो सब है इसमें। और जो हार्ट शेप होता है मतलब दिल होता है उसका, उसके भी पार्ट्स है इसमें। उसको गढ़वाली भाषा में बोलते हैं बुटवा, नहीं ये तो हिंदी में बोलते हैं बुटवा, लेकिन गढ़वाली में इसको बोलते हैं अंदड़े। तो ये डाल दिया मैंने पकने के लिए, तो इसके लिए मैं छोड़ दूंगा पकने के लिए। देखिए तो ये देख सकते हैं आप लीवर, इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगा हल्का सा ताकि आगे आप अच्छे से बैठे और नीचे ना बैठे। तो देखो ये मटन पक के तैयार हो गया एकदम, देखो ये काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद और काफ़ी अच्छे से पक गया है हल्की आंच में, और आग अभी भी मैंने हल्की रखी है। तो ये देखिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम खाना खाना खा के हम भी निकलते हैं इधर से। और तब तक के लिए बाय, और बने रहें मेरे YouTube चैनल पे, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।